पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत? आदत से पहले हुई, बाद में हुई? अच्छा, आदत तो बेचारा एक गाना था जिसको हम अच्छा चलो वैसे बताओ। जिसके जिसके नहीं, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है क्योंकि हमेशा आदत के ऊपर यही सवाल किया जाता है हाँ, कि क्यों लिखा था, क्योंकि आई बट ऑलवेज वंडर्ड कि ये आतिफ का दिल टूटा है या गौहर का दिल टूटा होगा उसका भी, टूटा। दोनों के दिल जिस तरह से उसने गाया था इतने अच्छे तरीके से, आई थिंक कुछ ना कुछ तो कुछ दर्द तो होगा, तो आई थिंक वो दो चीजें मिली तो और कहीं एक ये तो एक नहीं था कि एक ही लड़की थी और दोनों को अच्छी लगी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था, ऐसा कोई ऐसा ऐसा दुआ करते हैं कि ऐसा होता, मुझे नहीं पता लेकिन आई एम श्योर ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था। एंड आई थिंक वो एज अ सिंगर वो खुद एक बड़ा, वो कहते हैं ना, वो सोच विचार करने वाला जिसे कहते हैं इंसान है, और वो एक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। बट पहली मोहब्बत जो आपका सवाल था वो, आई वॉज प्लीज डोंट जज मी, आई यूज टू लाइक अ गर्ल व्हेन आई वॉज इन फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड। वाह, वो अब मेरे, मैं उनको बता भी चुका हूँ और वो मेरा ख्याल है ये आपका प्रोग्राम दोबारा देखेंगी। तो हमारी मैडम थी, उनकी बेटी थी, तो वो बच्चे नहीं होते जिनको किसी पे क्रश हाँ टाइप था, इट वॉज नॉट लव, आई थिंक वो क्रश टाइप था। हाँ और वो बड़े होके फिर मैंने उनको बताया कि यार ये इस तरह था, बट बाय द टाइम हम बड़े हो गए और वो फीलिंग वो उस तरह नहीं रही, लेकिन आशिक मिजाज तो मैं शुरू से ही था। अच्छा, तो कितने हाँ, इश्क किए और कितने दिल तोड़े? दिल नहीं किसी का तोड़ा, दिल कभी नहीं तोड़ा, अच्छा, किसी ने तुम्हारा तोड़ा दिल? नहीं किसी ने मेरा भी दिल नहीं तोड़ा, दिल लेकिन तोड़ तोड़ दिल टूटना तो बड़ा है जरूरी है ना, आर्टिस ये बनने के कैसे लिए, कैसे क्योंकि बन गए गाने, आप भी सोच रहे होंगे दिल है टूटे ना बगैर है ना, गाने दिल कैसे। बहुत जरूरी है। नहीं, दिल उस तरह से नहीं टूटा, लेकिन हाँ ये आपकी बात ठीक है कि दिल टूटना ज़रूर चाहिए, हमारी जगह देखते हैं कि गाने तभी बनते हैं, बट आई थिंक चोट आपको लगनी जरूरी है। चोट लगनी हाँ, ज़रूरी है, चोट लगनी और जरूरी वो है। चोट एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार आपको होता रहता है, आई थिंक वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लड़कियां इन्वॉल्व हों, उसमें नेचर है, सूफीज़म है, उसमें आपका यू नो यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ, एंड वो कहते हैं अपने आप से कनेक्टिविटी अगर आप कर लें तो भी बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं। देखिए जितने भी बाबा बुल्ले शाह और जितने हाँ, भी, वो अपने आप से कनेक्टेड थे तो वो इस तरह की चीज़ें लिख कभी सकते थे। रिजेक्ट हुए? किस तरह से? किसी इंसान ने रिजेक्ट किया या काम काम रिजेक्ट हुआ, वो एक लगता है ना, लाइक यू यू नो, अब जब लेटे हो, गिटार खुद सीखा है, म्यूजिक करना है और वो पैशन है, बट किसी ने कह दिया ये क्या है, अच्छा, या किसी मैंने लड़की ने कह दिया ये तुम कौन हो, ये मुझे क्या है, मुझे बिल्कुल ऐसे दिल होता लगता था, है, यू नहीं नो। बिल्कुल ऐसे होता था, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, हाँ हम जब पहला गाना लिखा था आदत, तो मैं, हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियाँ भी थीं और उनको सुनाया गाना, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये गाना, उन्होंने कहा ये क्या गाना है, दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, डजेंट मेक एनी सेंस, बड़ी सिंपल वर्डिंग, अगर आप आदत की या लम्हे की, मेरी बड़ी सिंपल वर्डिंग्स होती हैं, तो वो लगी थी बात, वो बिल्कुल लगी थी कि हैं तो मेरे दोस्त, गलत बात तो नहीं कह रहे, तो मैंने उनको कहा यार यही बनता है मुझसे, मैं यही हूँ, मुझसे इसी तरह के गाने लिखे जाते हैं, और मुझे नहीं पता गाने कैसे लिखते हैं, बट कहते नहीं है बस सही है गाना, एवरेज गाना है आदत। और उसके बाद देखें डाउट किया था अपने आप को या कहा था कि नहीं? एक सेल्फ, वो कहते हैं ना अपने आप को चेक तो करता रहता है ना, एक हाँ रियलिटी चेक आप अपने आप से भी करते रहते हैं, हाँ वो मैं अभी तक करता हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या यू नो एक्टिंग के ये प्रोजेक्ट्स और करने चाहिए, एक्टिंग कैसे कर रहा हूँ, म्यूज़िक कैसे, वो सब वो तो चलता रहता है, बट वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, उस टाइम वो लगता है कि ये दिल पे ले लिया अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो आगे म्यूज़िक भी नहीं, क्या करूँ, हाश ये तो, मैंने तो ये बनाया, अच्छा अच्छा गाना नहीं है ये, बट वो ऐसा प्रोसेस है नेचर का कि वो जो दिल पे चीज़ लगती है वही आपको आगे चलाती है, वो उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उस, अगेन आपने सुना, जब आप उस पेन से नहीं गुजरेंगे, रिजेक्शन की पेन से, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप स्पेशली इन आर्ट्स, आर्ट्स में तो इट्स अ होल स्पेक्ट्रम एक है जिसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं, उसमें शायरी है, उसमें म्यूजिक है, तो वो जब तक आपको देखें, अगर कोई कहता है यार आप ज़बरदस्त, एक दिन आपको एक कमाल गाने आपके हाँ जबर एल्बम भी बड़े अच्छे हैं, तो आप तो बैठ जाएंगे ना, आप कहेंगे व्हाट्स नेक्स्ट देन, आगे क्या करना है। तो वो कॉलेज के दौर में ऑब्वियसली कुछ लड़कियों ने गाने सुने और उन्होंने कहा ये बिल्कुल अच्छा गाना नहीं है, और यू नो इट्स जस्ट जस्ट अ नॉर्मल सॉन्ग,
तो फिर जब वो हिट हुआ, जब चीज़ें, तो समझ में ये आई कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए, आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो हमेशा आपको सही बात बताती है, उससे कनेक्टेड रहना चाहिए। सो उसको फॉलो किया है कि मैंने उसको फॉलो किया है। आई थिंक दैट डिफाइंस यू कि तुम दैट डिफाइंस मी। आई थिंक दैट इंट्यूशन जो इंस्टिंक्ट है, आई फॉलो इट एंड आई जस्ट गो इन टू माई जोन एंड आई मेक श्योर दैट आई लिसन टू माई सेल्फ एंड आई मेक श्योर दैट यू नो जो दिल कह रहा है उसको एक दफ़ा सुनने की कोशिश ज़रूर की जाए। गलतियाँ हो, मुश्किल है जब इतना नॉइज हो इर्द गिर्द, इतनी सारी वॉइसेस हो कि ये नहीं ये नहीं ये होना वो होना, हाउ डू यू डिसाइड कि ये पोएट्री है, ये लिरिक्स अभी ये इसकी ट्यून है और यही है, ये किस तरह डिसाइड होता है? आई थिंक जब आपको पता होगा आपका बहुत अरसा म्यूजिक से और आपने इतने इवेंट्स कराए और इतने इतने बड़े सिंगर्स और लोगों को परफॉर्मेंस कराई, और पुराने दौर में फिल्म का जब म्यूज़िक होता था तो पहले लिरिक्स लिखे जाते थे उसके बाद धुन बनती थी। तो हमारे केस में जब मैं गाना जिस तरह बनाता था तो गिटार पे एक मेलोडी बनती थी कि ना 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 मन से जब भी हो तेरा मन खा, तो वो उस मेलोडी के ऊपर वो लिरिक्स आते जाते थे, तो वो पांच पांच लाइनें इकट्ठी करके छः छः लाइनें बना लेता था। आई शुड हैव वर्क विद अदर लिरिसिस्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इट वाज जस्ट यू नो इट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस टू जस्ट गो थ्रू अ सॉन्ग। उसमें लिरिक्स साथ साथ आते जाते थे और मैं वो रिकॉर्डिंग पे जाके ये कहता था यार यही बनाए, प्रोड्यूसर्स कहते थे ठीक है यार इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, दिलारे अच्छा गाना है, बोला मैं हंसी ऐसे ठीक है फाइन इट्स गोइंग विद योर ट्यून। तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया, आदत से कॉन्फिडेंस आया, लम्हे आदत में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला, बेस्ट कंपोजर का अवार्ड मिला, फिर वो एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है कि अच्छा यार आई थिंक लोगों को फैंस को आपसे यही चाहिए। अभी होता है डाउट? नहीं, अभी पीछे मुड़ के देखते इतना काम करने के बाद अब होता है डाउट? बिल्कुल होता है। आर यू स्केयर्ड? बिल्कुल, आई डू गेट स्केयर्ड एट टाइम्स अभी तक। और एक बहुत मजे की बात बताऊं, अभी भी जब स्टेज पे कॉन्सर्ट करने जाता हूं अभी तक वो कहते हैं कि वो शायनेस मेरे अंदर अभी भी है, वो पहले दिन से थी जब यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस, पहली परफॉर्मेंस थी, नजम शिराज का एक गाना था आजाना, वो गाया था। आज भी आफ्टर 16 ईयर्स व्हेन आई गो ऑन स्टेज, बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, वो एक शायनेस मेरे अंदर होती है कि ओके इतना ज़्यादा क्राउड है, अच्छा आई होप एवरीथिंग। व्हाट डू यू डू? आई जस्ट प्रे, मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज की परफॉर्मेंस भी उसी तरह से लाज रख लें प्लीज़, एक दुआ सी करता हूँ अपने अंदर, एंड देन आई गो ऑन स्टेज। बट व्हेन आई गो ऑन स्टेज आई थिंक एक मुझे नहीं पता वो एक पर्सोना और वो एक एनर्जी कहाँ से आ जाती है, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, बट वो गौहर स्टेज पर बड़ा डिफरेंट होता है। If I see myself in those videos of concerts and तो मैं कहता हूँ तो ये audience की energy है, audience की energy जो आपको motivate करती है, और जी connectivity है उनके चेहरों पे, you know जो खुशी है जब वो गाने साथ गा रहे होते हैं तो वो उससे वो energy मिलती है। तो मैं कहता हूँ अपने आप को देख के कहता है ये मैं था, अच्छा। सो वो शाय बच्चा अभी भी है। सो बेगम कहाँ मिली? And what made you decide कि this is it? बेगम, no looking around, यही है। बेगम आई मेट अनम, एक देयर इज दिस वेडिंग हमारे फैमिली में, उस पे आई मेट अनम और फैमिली फ्रेंड्स थे, और उसके बाद यू नो हमारी मुलाकातें हुई, और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि आई थिंक शी इज द वन। ऐसी क्या बात थी आई थिंक जिसने अट्रैक्ट किया? मैं सबसे पहली चीज, वो मेरी फैन नहीं है, उस टाइम भी नहीं थी, वो अबू धाबी में रहती थी, शी यूज्ड टू लिव देयर। तो वो बाय द टाइम शी केम बैक टू इस्लामाबाद तो उसको इतना ज़्यादा नहीं पता था। मैं हमेशा ये कहते हैं ना, एक दिली ख्वाहिश थी कि जिससे मेरी शादी हो फैन ना हो, होते हैं ना वैसे आप एडमायरर्स हो, तो वो तो ठीक है, उसको कुछ पता नहीं था। एंड शी इज़ वेरी सिंपल, दिल की बहुत साफ थी, और जैसी उसकी सीरत है, जैसी सूरत है वैसी उसकी सीरत भी है। आई थिंक बहुत सिंपल है, मेरी तरह थोड़ी शाय भी है, आई थिंक ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, तो देयर वाज अ सर्टेन चार्म, देयर इज समथिंग अबाउट हर एंड दैट क्लिक्ड
माई हार्ट. तो ज़्यादा प्रसव करना था, काफ़ी दिन लगे थे, साल दो साल या नहीं? नहीं साल दो साल नहीं, तीन चार पाँच महीने में. यू प्रपोज्ड? आई प्रपोज्ड एंड आई सेड आई स्पोक टू माई पेरेंट्स एंड सेड ठीक है बात करते हैं एंड सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट हो गई.